आज जो विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है वो मीजल्स और रूबेला के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो स्वास्थ्य विभाग और रोटरी मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं जो कि 26 नवंबर से शुरू होगा। इसके लिए जनजागरण के रूप में हम लोगों ने आज ये पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया है जिसमें लगभग 700 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 1200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और आगरा के समस्त रोटरी क्लब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। एक वृहद आयोजन है चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से, समाज के हर वर्ग को ये संदेश दिया जा रहा है कि रोटरी की रूबेला और मीजल्स को हम लोग मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बशर्ते कि वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो घर घर तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ स्वास्थ्य विभाग, WHO, रोटरी, यूनिसेफ ने मिलकर ये एक संयुक्त कार्यक्रम किया है जन जागरण अभियान के तहत। मीजल्स एंड रूबेला के ऊपर आयोजित किया गया है। जिस तरीके से रोटरी ने 1995 में पोलियो समाप्त करने के लिए बड़ा उठाया था और आज संसार के सभी देशों से पोलियो का सर्वनाश कर दिया है, उसी तरीके से मिजल्स एंड रूबेला को भी रोटरी ने इस वर्ष अपनाया है और हमारा प्रयास है कि हम जो है संसार से मिजल्स एंड रूबेला को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। खसरा और रूबेला ये बहुत ही भयानक बीमारी है। रूबेला के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के दिलों में छेद की शिकायत आ रही है। इन दोनों बीमारी के लिए हमारी सरकार बहुत जागरूक है। इस संबंध में जो है ये यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता, यहाँ की जो रोटरी क्लब है उनकी यहाँ आगरे में 6 शाखाएँ समृद्ध सभी पदाधिकारियों यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता रखी है जागृत करने के लिए। उसमें आगरा जिले के लगभग 126 स्कूलों ने भाग लिया है। स्कूल भी बधाई के पात्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं और रोटरी क्लब के पदाधिकारियों को भी जिन्होंने आयकर कॉलेज के मैदान पर ये बहुत अच्छा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो प्रोग्राम हो रहा है ये मिजल्स रूबेला का जो अभियान 26 नवंबर से शुरू होना है उसको मोटिवेट करने के लिए बच्चों, क्योंकि ये बच्चे स्कूलों में है और स्कूल हमारा लक्ष्य है स्कूलों में इन बच्चों को कवर करना, बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ये आयोजित किया गया है जो काफ़ी मोटिवेशन देगा बच्चों को।